तो प्रमोद, अब ये जो नाम सामने आया है और प्रस्ताव पास हुआ, उसके बाद कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली है वहां पर? नगर निगम की बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ है। उसके बाद जो तमाम विपक्षी नेता हैं उनकी प्रक्रिया भी सामने आ रही है। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है इतिहास से छेड़छाड़ करने का काम कर रही है। जिस तरीके से अलीगढ़ का नाम लंबे अरसे से अलीगढ़ के ही नाम से जाना जाता है और ऐसे में इस नाम को हरिगढ़ रखा जाना है, तो ये निश्चित तौर से इतिहास से जो है छेड़छाड़ ही की जा रही है एक तरीके से। और तमाम जो देखिए, मैं एक बार यह भी बता दूं कि अगर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा जाता है तो ऐसे में ठीक है। प्रमोद, रोकना चाहेंगे आपको। सतीश गौतम जी जुड़ चुके हैं, अलीगढ़ के सांसद हैं। बहुत स्वागत है सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश जी, बहुत दिनों से कवायद चल रही थी कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाएगा और अब इस पर प्रस्ताव पास हो गया है नगर निगम से, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए मैडम, नाम लीजिए, आपकी सर जाएगा। हरिबोल इतना अच्छा नाम है, जो नगर निगम ने प्रस्ताव किया है मैं उसका स्वागत करता हूँ। हरिगढ़ का नाम होना चाहिए, हमेशा से लोग हरी लेते हैं, बेशक अलीगढ़ नाम है, लेकिन अलीगढ़ में आप चर्चा करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे जाएंगे तो आपको सब लोग हरिगढ़ बोलते हुए दिखाई देंगे। कुछ तो हमारे ऐसे शाखाएं हैं जो कि अपने हरिगढ़ लिखते हैं, तो बड़ा ये बहुत अच्छी बात है सतीश जी। लेकिन कई ऐसे जो विपक्षी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। नहीं नहीं नहीं, मैं नगर निगम के मेयर साहब का, नगर निगम के सभी पार्षदों का, जिन्होंने इस नाम को प्रस्ताव करने में सबका भागीदार रही है, उनका सबका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है। बाकी यहाँ से जिले से प्रस्ताव जाना हमारा दायित्व बनता है, बाकी डिसीजन तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लेंगे, उनका जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे जी। और सतीश जी, ये भी कहा जा रहा है काफी दिनों से अभियान चलाया जा रहा था, बकायदा इसके लिए सिग्नेचर अभियान चलाया गया और लोगों की राय भी ली गई है, तो आप जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कई पुराने इलाकों में जाएंगे तो वहां पर हरिगढ़ ही बोला जाता है, तो फिर ये लोगों के लिए आम ही रहेगा? देखिए मेरी बात सुनिए, हरिगढ़ ऐसा नहीं है कि अभी से है, हरिगढ़ बहुत सालों से लोग कहते हैं। मैं स्वयं अगर परिचय देते, मेरी कुछ गाड़ियों बता रहे पीछे गाड़ियों पर लोगों ने हरिगढ़ हरिगढ़ एक अभियान चला, उसका कारण है, उसके पीछे फीडबैक में जाएंगे उससे पता लगेगा आप। ये तो अलीगढ़ लोगों ने रख दिया अपने, उसके कारण नाम ही कोई वो नहीं अलीगढ़। देखिये हरी नाम तो है, बहुत अच्छा है, प्रभु का नाम है, प्रभु के नाम लिएता जा और अपना गुण गाता जा और तीर्थ की तरफ चलता जा, हरी तो नाम अच्छा है। ठीक है सतीश जी, आप बने रहे हमारे साथ। सपा के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं अमीक दिमई। अमीक जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलीगढ़ का नाम अब हरिगढ़ होने जा रहा है, पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैं सुन रहा था सतीश जी को, अलीगढ़ का नाम अगर हरिगढ़ करने से सांसद जी का ही वहां पे पूरा शासन चलता रहा है। अगर आप जो शहरी अलीगढ़ आप यूनिवर्सिटी छोड़ दो जी, तो पूरा शहर कूड़े में, वहां की सड़कें, सीवर, बिजली का पूरा सिस्टम, गंदगी, मतलब आपको दिख जाएगा कि हरी निवास नहीं कर सकते, हरी ऐसी जगह आ ही नहीं सकते। तो या आपने राजा महेंद्र प्रताप जी के प्राइम मिनिस्टर एक विश्वविद्यालय बनेगा, सतीश जी बताए पूरे अलीगढ़ की जनता को वो विश्वविद्यालय के फाउंडेशन कहां गया? कौन सर आप सुनिए, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी है, हरिगढ़ को मिली है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी, डिफेंस कॉरिडोर, अचल सरोवर, आप देखिए हैबिटेट सेंटर, स्मार्ट सिटी में आप अलीगढ़ आएंगे तो आपको गैंगस्टर दिखाई देगा आके। तो आप देखिए ना, हम वो अलीगढ़ नहीं जो सोच रहे हैं आप, ये योगी का अलीगढ़ है, ये सतीश गौतम का अलीगढ़ है, ये अलीगढ़ की जनता का अलीगढ़ है। सतीश जी आपको जल्दी नहीं है, आप तो सुन लीजिए, आप सत्ता में हैं, आप बड़े नेता हैं, तो आप दूसरों की बात, बड़े नेता नहीं है जो सच्चाई से बताइए आपने। अच्छा सुनिए ना, राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी देने का काम आप तक हुआ है कि जहाँ केंद्र शासित यूनिवर्सिटी हो वहाँ प्रत्येक सरकार के द्वारा यूनिवर्सिटी, मैं ये महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी है, कांग्रेस के कार्यकाल में तो नहीं हुआ। नहीं, ये बताओ, सुन लेते अमित जी। हाँ बोलिए अमित जी, बोलिए। बात ही नहीं आ रही है,
मैं ये पूछ रहा हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आप इतने ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉन्फ्लिक्ट में हो, पूरा देश प्रदेश ने वहां से शिक्षा हासिल करी है, दुनिया की निगाह एएमयू पे रहती है, लेकिन आपने राजा महेंद्र प्रताप के नाम पे विश्वविद्यालय का जो आपने शुरुआत करी उसकी नींव डल गई, कमरा बन गया, बच्चे पढ़ने लगे। सुनिए सुनिए, अरे वही तो बता, सुनिए, अलीगढ़ जो अलीगढ़ का सिटी पब्लिक स्कूल था एएमयू का, अब वो राजा महेंद्र प्रताप के नाम से सिटी स्कूल है, ये नींव पड़ गई। नया स्कूल का नाम बताओ सतीश जी, नामकरण मत करो, एक आपको नया विश्वविद्यालय कहाँ पर है यार, राजा महेंद्र प्रताप के नाम से जिक्र नहीं हो रहे रहते थे, सर सैयद खान, अरे राजा महेंद्र प्रताप की जमीन पर उनके नाम से है। दूसरी बात, जो नया हॉल बन रहा है उसका राजा महेंद्र प्रताप के नाम से हॉल का नाम भी होगा। अच्छा सतीश जी, राजा महेंद्र प्रताप एक वामपंथी नेता थे, आप इतना उनके पीछे कहां पड़े हो? कौन कहता है? मैंने कहता है आप नहीं जानते राजा महेंद्र प्रताप का राजा थे। अच्छा, एएमयू की जमीन एक सुनिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त कराई थी उन्होंने, पहले लोकसभा के चुनाव में जमानत जब्त कराई थी। राजनीति में चुनाव लड़ते लोग, आज मोदी जी है पूरे विश्व पर राज है, आज उन्हीं के असिस्ट है मोदी जी, आज अटल जी की दी हुई बताई रस्ते पर दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रस्ते पर चल रहे। मैंने पूछा कि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जी का देश का भारत माता राजा महेंद्र प्रताप। आप विश्वविद्यालय के पीछे पड़ गए क्या? मैं आपको मुख्य समस्या क्या है, हरिगढ़ अगर रख दिया जाएगा, पुराना इतिहास है, तो इतिहास अगर सामने आ रहा है सबके, तो दिक्कत क्या है? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखिए इतिहास बदले नहीं जाते, इतिहास बनाए जाते। कल्याण सिंह जी के का पूरा वो क्षेत्र रहा लोधी समाज के लोगों का, हम ये पूछ रहे हैं कि लोध समाज के लिए पिछड़ों का जो आरक्षण है, अगर आप अलीगढ़ की उस हैसियत को बदलना चाहते हो, हरी कितना प्यारा नाम है, कौन कहेगा कि प्यारा नाम नहीं है? लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि राजा महेंद्र प्रताप के नाम के विश्वविद्यालय कहाँ चला गया? सतीश जी तो बता नहीं रहे, तारीख नहीं बता रहे हैं, तारीख बता दो अलीगढ़ वालों को, कब एडमिशन होगा बच्चों का हमारे वहां पे? पूरा अलीगढ़ शहर हरी निवास नहीं कर सकते वहां पे, जितनी गंदगी इनके लोकसभा के क्षेत्र में है, जितना पिछड़ापन अलीगढ़ है। सतीश जी, क्या बाकी जो कह रहे हैं अमित जी, ऐसा है आपको भी लगता है, क्योंकि आप तो सांसद ही हैं वहां से? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश गौतम जी और अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है सभा की तरफ से कि गंदगी इतनी है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हरी वहां पर निवास नहीं कर सकते। बहरहाल